देखो, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ सेक्टर ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये मैंने ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड, बस मैग्नेटिक फील्ड इसी पोर्शन में प्रेजेंट है, ना इधर है ना इधर है। ठीक, एक चार्ज पार्टिकल आया, एक चार्ज पार्टिकल सीधा इसमें एंटर करता है, ये एंट्री कर गया विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, एंटर कर गया। अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर कर गया इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो कायदे से इसको किस में मूव करना चाहिए, इन अ सर्कल, तो इसने सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया। तो ये इसने सर्कल में मूव करना शुरू किया, किया 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 यार फील्ड ही खत्म हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो अब वो सर्कल में और कैसे घूमेगा, नहीं घूम पाएगा। तो अब फाइनली क्या होगा, ये टेंजेंशियली बाहर निकल आएगा कुछ ऐसे। ये स्टेप क्लियर है? जब तक मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल, फील्ड खत्म हो गया बाहर निकल गया, और अगर फील्ड थोड़ा बड़ा होता फिर ये पूरा सर्कल घूम भी जाता, पर फील्ड ही खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये सर्कल का एक आर्क है, तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहीं आपको यहां कहीं मिलने वाला है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का क्या मिलेगा आपको, सेंटर, तो ऐसा कुछ सेंटर ऊपर मिलेगा इमेजिनरी, राइट। क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ कि इस केस में ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, जब ये बाहर निकला था, तो बाहर निकला था तो ये कितने एंगल पे बाहर निकला, ये बताओ। थीटा आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है, आपको एंगल बताना है। अब रूल नंबर वन, ऐसे क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि ये जो रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो डी है और रेडियस इसका आर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आर को हॉरिजॉन्टल लूं, हॉरिजॉन्टल, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आर बड़ा होगा और डी छोटा होगा, डी छोटा है और आर बड़ा है। भाई आर बड़ा है तभी तो चक्कर पूरा नहीं हो पाया, अगर डी बड़ा होता फिर तो आर छोटा होता, चक्कर पूरा हो जाता। तो ये कौन सा केस कर रहे हैं, व्हेन डी इज व्हाट, लेस देन आर, ठीक है। तो रूल नंबर वन, जब आप इसमें ऐसा करेंगे तो अगर ये एंगल थीटा है, तो मुझे एक चीज बताएं कि ये और ये एंगल इनके बीच में क्या है, 90, 90 है, तो ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। रेडियस और वेलोसिटी सर्कल में 90 डिग्री पे होती हैं क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या आएगा, थीटा, और अगर ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या आएगा, थीटा। तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, इसको याद कर लें प्लीज, बार बार ज्योमेट्री नहीं करनी। जितने वेलोसिटी से, जितने एंगल से ये पार्टिकल निकला वो एंगल सीधा सेंटर पे बनेगा थीटा। तो अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं तो क्यों ना इस राइट एंगल में ये एंगल निकाल दूं, तो ये एंगल निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा इसमें, ये डी है तो ये भी क्या है, डी, तो क्या आएगा, डी डिवाइडेड बाय आर, तो डी बाय आर। तो इसमें आर की वैल्यू न्यूमेरिकल में क्या पुट करनी पड़ेगी, एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू, आज हमने की, तो जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आर की ये वैल्यू पुट करके साइन थीटा से थीटा आ जाएगा आंसर। तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, ये थ्योरी नहीं है, ये हिंट है, तो आज के बाद किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहला रूल क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। अब सपोज करो सेम क्वेश्चन है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार सेक्टर काफी बड़ा है, ठीक है, बड़ा सेक्टर है, सच दैट ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस क्या है, डी डी डिस्टेंस है, और सपोज करो एक पार्टिकल इसमें एंटर करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, तो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, सर्कल सर्कल जगह काफी है, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल अपना चक्कर पूरा कर जाएगा इसमें, मानते हो इस चीज को। तो यही इसमें क्या गिवन है, अगर ऐसा डी लेस देन आर है फिर तो साइन थीटा आएगा, डी ग्रेटर देन आर है फिर तो आधा सेमी सर्कल यहां से एंट्री करके यहां से बाहर आ जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। और रेडियस अगर कैलकुलेट करने को आ जाए तो सेम फॉर्मूला, एम वी बाई बी क्यू, आर का फॉर्मूला विल रिमेन सेम। और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, बात ही खत्म, फील्ड ही फील्ड है, अगर फील्ड ही फील्ड है फिर तो पार्टिकल हमेशा ही उसको जगह मिलेगी, वो सर्कल में मूव करता रहेगा, रेडियस वही रहेगा, एम वी बाई पी क्यू। और लास्ट केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, देखो क्या, सपोज करो ये आपके पास रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहां नहीं है यहां है,
एक पार्टिकल आता है, एक पार्टिकल एंटर करता है इसमें विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर। तो कोई चार्ज पार्टिकल आता है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वेक्टर। पर एंटर कैसे करता है, टेढ़ा करता है। अब जब वो एंटर टेढ़ा करता है तो मुझे एक बात समझाओ कि ये अपना सर्कल में मूव करना शुरू करेगा, करेगा करेगा या जगह ही नहीं मिली, सर्कल ही छोटा बनेगा तो आर्क बना के बाहर खिसक जाएगा। अगर जगह होती फिर तो प्रॉपर घूम, अब एंगल ही छोटा है ना, छोटे एंगल पे घुमाओगे तो छोटे एंगल पे बाहर निकल आएगा। तो लेट अस सपोज ये पार्टिकल बाहर निकल गया विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड वी को चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, राइट? तो ये आर्क है, ये आर्क देख रहे हो जिसमें सर्कल में घूम रहा है वो, तो इसका जो सेंटर आपको मिलेगा वो कहां मिलेगा, ये सर्कल का सेंटर सपोज यहां कहीं मिलेगा आपको, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द आर्क। तो आर्क का सेंटर ये रहा, ठीक है, ये आर्क का सेंटर है। इस सेंटर में अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन यहां पे ड्रॉ करूं एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, जस्ट आपको समझाने के लिए, तो ये रेडियस क्या है, आर, ये रेडियस क्या है, आर, ये रेडियस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन और ड्रॉ कर लो इसमें प्लीज, और वो इमेजिनरी लाइन क्या है, वो लाइन है ये रही, जस्ट इमेजिनरी लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल। इससे क्या होगा अभी समझाता हूं, देखो। अब सपोज करो आपके इस पार्टिकल ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल से एंट्री की, अल्फा, तो अल्फा पे एंट्री कर गया। अगर ये अल्फा है तो ये और ये 90 डिग्री पे है, तो बोलो बचा हुआ एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा। वेलोसिटी और रेडियस 90 डिग्री पे होते हैं तो ये एंगल कितना है, अल्फा। ये अल्फा है तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल कितना है, अल्फा। ये ट्राइंगल एक जैसे हैं, 22 मीटर, ये एंगल भी कितना है, अल्फा। अगर ये अल्फा है तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी कितना है, अल्फा। अगर ये अल्फा है तो रेडियस और वेलोसिटी 90 डिग्री पे होते हैं तो ये कितना है, 90 माइनस अल्फा। तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये और ये 90 डिग्री पे है तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली अल्फा। तो आपको ये ज्योमेट्री ड्रॉ करने को नहीं आएगी, आपको एक शॉर्टकट याद रखना है कि अगर आपका पार्टिकल 30 डिग्री पे एंटर कर गया विद मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल लाइन तो उसका एग्जिट भी 30 डिग्री पे ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 30 पे एंटर कर गया, 30 पे बाहर निकल गया, 60 पे एंटर कर गया, 60 पे बाहर निकल गया, 90 पे एंटर कर गया, 90 पे बाहर निकल गया, सिंपल, ठीक है यहां पर। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, इसमें ये देखो यही केस है, जैसे 90 पे एंटर कर गया तो 90 पे बाहर निकल गया, बात खत्म।